नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बारिश को लेकर। बिहार में मानसून अब लगभग एक्टिव हो चुका है। पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के लगभग ज़िलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि उत्तर बिहार में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। पटना में गुरुवार को बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलने की बात कही जा रही है। अनेक स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 6 से 8 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम बिहार के 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। विभाग की माने तो गुरुवार को पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ इन जिलों में काले बादल छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद से प्रदेश के कई जिलों में तापमान में कमी देखी गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार रोहतास में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं बक्सर में 38 डिग्री, शेखपुरा, सीतामढ़ी में 37 डिग्री से भी अधिक तापमान दर्ज किया गया है। विभाग की माने तो एक टर्फ लाइन उत्तर पश्चिम राजस्थान से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल से होकर समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर से गुजर रहा है। साथ ही साथ एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 10.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इन दोनों में एक और चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी झारखंड और उसके सटे उत्तरी ओडिशा के क्षेत्र में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर के बीच में बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर बिहार के सभी जिलों में बारिश और दक्षिण बिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। पूरे बिहार में बारिश होने की भी स्थिति बनी हुई है। बिहार में एक तरफ जहाँ मानसून एक्टिव हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। उत्तर बिहार की कई नदियाँ इन दिनों उफान पर है। नेपाल में हो रही बारिश और उत्तर बिहार में हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार की कई नदियां इन दिनों उफान पे है। 13 जून को बिहार में मानसून सक्रिय हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद बिहार के लगभग जिलों में बारिश देखी गई। अब जो मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि तापमान में तो गिरावट हुई ही है, साथ ही साथ प्रदेश के कई जिलों में बारिश साफ तौर पे देखी जा रही है और प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां निम्न दबाव के कारण बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के वे इलाके शामिल हैं जहां पे निम्न दबाव के कारण बारिश होने की बात कही जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।